आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ चुके हैं। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें तीन शब्द देखने को मिलते हैं, एक है गवर्नर, दूसरा गवर्नर जनरल और वायसराय। तो अब हम देखते हैं इन तीन पद में क्या अंतर है। सबसे पहले हम इन तीनों पदों को प्रेजेंट में क्या किस किस नाम से जाना जाता है पहले वो देख लेते हैं तो समझना आसान होगा। जैसे सबसे पहले एक आपका पद आता है गवर्नर का पद, ठीक है। जब आपके 1857 का प्लासी का युद्ध होता है तो उसके बाद गवर्नर का एक पद आता है। इस गवर्नर के पद का मतलब है जैसे आज राज्यों में क्या होता है, आपका राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यों में क्या है, आपका राज्यपाल होता है। उसी तरीके से उस समय राज्यों को कहते थे प्रांत, है ना, प्रांत कहते थे। और प्रांत में जो क्या होता था, गवर्नर होता था, गवर्नर होता था, क्योंकि राज्यपाल को भी इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। तो इस तरीके से गवर्नर जैसे कि आज के राज्यों में राज्यपाल होता है, उस तरीके से भी प्रांतों में गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। दूसरा पद आता है आपका गवर्नर जनरल का, है ना। गवर्नर जनरल और वायसराय ये दोनों एक ही पद हैं, बस इन्हें समय समय पर अलग अलग नाम से जाना गया है। दोनों के काम एक जैसे हैं। इन दोनों पदों का मतलब है जैसे कि प्रेजेंट में आपका राष्ट्रपति, है ना, उस तरीके से उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय का पद होता था। क्योंकि जब देश आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होने के बाद 1950 में ये जो आपका वायसराय और गवर्नर जनरल का पद है, इस पद को आपके राष्ट्रपति के पद में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है, तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इनका जो मतलब होता है कि जैसे कि आज का हमारा राष्ट्रपति, ठीक। अब इन्हें देखते हैं कि क्या क्या है, कब कब ये पद आए हैं। जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर के पद को नियुक्त किया, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध के बाद आपके गवर्नर का पद आता है और ये जो पद है ये 1757 से लेकर आपके 1774 तक ये पद रहता है। कौन सा, आपका गवर्नर का पद, है ना, ये गवर्नर का पद रहता है आपके 74 तक। फिर आपके गवर्नर जनरल का पद, जो गवर्नर जनरल है आपके 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट के माध्यम से 1774 में जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल के पद में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 1774 से लेकर और 1858 तक, यानी कि इस जुआन तक, यानी कि इस जो आपकी क्रांति है 1857 की क्रांति, उसके बाद 1858 का एक्ट आता है, तब तक ये आपको गवर्नर जनरल का पद देखने के लिए मिलता है, जो ये आपका गवर्नर जनरल का पद है, ठीक है। तो 1773 से लेकर 1858 तक भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक प्रमुख को गवर्नर जनरल कहा जाता था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल के द्वारा चुना जाता था और जिसके प्रति वह जिम्मेदार होता था। कहने का मतलब है कि जो भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रमुख हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल के द्वारा चुना जाता था और ये गवर्नर जनरल इस कंपनी के प्रति ही उत्तरदायी होता था, ठीक है। इसके बाद 1858 से गवर्नर जनरल के पद को क्या क्या कर दिया जाता है, वायसराय के पद में तब्दील कर दिया जाता है और इसे भारत के वायसराय के रूप में बुलाया जाता है, ठीक। अब जो भारत में ब्रिटिश राज का प्रमुख, जो जो गवर्नर जनरल है या वायसराय है, वो कौन है, भारत में ब्रिटिश राज का प्रमुख होता है और भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत भारत में ब्रिटिश संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। देश आज़ाद हो जाता है 47 में और 1950 तक ब्रिटिश संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है। जो आपका वायसराय है, वायसराय का कार्यालय 1773 में बनाया गया और इसे फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया था।
ठीक है। और इस कार्यालय का फोर्ट विलियम पर सीधा नियंत्रण था एवं अन्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का ये क्या करता था, पर्यवेक्षक करता था, यानी कि सुपरविजन करने का कार्य करता था। जो आपका संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर जो गवर्नर जनरल है उसका अधिकार कब आता है ये देखते हैं। आपका 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट के द्वारा अभी जो गवर्नर जनरल था, ये जो गवर्नर जनरल था ये केवल बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, ये कहाँ का गवर्नर था, केवल बंगाल का गवर्नर था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक। पहले कहाँ का, केवल बंगाल का गवर्नर था, लेकिन अब इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल यानी कि भारत पर पूर्ण अधिकार 1833 में दिए गए और तब से यह भारत के गवर्नर जनरल बन गए। गवर्नर जनरल का कार्यालय सन 1950 में भारतीय गणतंत्र तक अस्तित्व में रहा, ठीक है। तो ये अस्तित्व में कब तक रहा, ये आपके 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1950 तक, जब देश में संविधान लागू हो जाता है तब तक गवर्नर जनरल का जो है जो पद है वो बना रहता है, ठीक। 1773 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा चयनित किया जाता था और वह उन्हीं के प्रति जवाबदेही होता था। ये मैंने भी आपको पीछे भी बताया है कि जो गवर्नर जनरल है उसे कौन अपॉइंट करा था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा चयनित किया जाता था और ये गवर्नर जनरल इस कंपनी के प्रति ही क्या होता था, उत्तरदायी होता था, ठीक है। 1858 से वायसराय को ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश सरकार, भारत के राज्य सचिव और ब्रिटिश कैबिनेट, इन सभी की राय से चयन होने लगा। कहने का मतलब है कि 1858 से इन सभी की राय से जो है वायसराय का चयन होने लगता है। 1947 के बाद भी जो आपका सम्राट है, सम्राट ही वायसराय को नियुक्त करता है, लेकिन सम्राट जो वायसराय को नियुक्त करता है वो भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करता है, ना कि ब्रिटिश मंत्रियों की सलाह पर। यानी कि भारतीय मंत्रियों की सलाह पर क्या है, जो सम्राट है वो वायसराय की नियुक्ति करता है। दूसरा है कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 साल का कार्यकाल है। जैसे कि आज भी आप राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 साल है, ठीक है। लेकिन उसे पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक। इस काल के पूर्ण होने पर एक अस्थायी गवर्नर जनरल बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर गवर्नर जनरल का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है 5 साल का, तो और अगर नए गवर्नर जनरल का जो पद जो है अभी ग्रहण नहीं किया है, जो नया गवर्नर जनरल अभी बनाया नहीं गया है, तो एक अस्थायी गवर्नर जनरल को बनाया जाता है। लेकिन यह जो अस्थायी गवर्नर जनरल को बनाया जाता है वो भारतीय प्रांतीय जो गवर्नर थे उनमें से चुना जाता है। कहने का मतलब है कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना है, 5 साल है। कार्यकाल पूर्ण हो गया है, लेकिन पूर्ण होने पर नए गवर्नर जनरल ने पद ग्रहण नहीं किया है। अगर नए गवर्नर जनरल ने पद ग्रहण नहीं किया है तो एक अस्थायी गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन यह जो अस्थायी गवर्नर जनरल होगा वो प्रांतीय गवर्नरों में से नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने भी 3 शब्द पढ़े थे, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो ये मैं आप मैटर दे रही हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये बेसिक अंतर है जो मैंने अलग से पॉइंट निकाल दिए हैं, यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नर, गवर्नर क्या है, यानी कि कंपनी द्वारा गवर्नर पद 1757 से शुरू होता है और यह 1774 तक रहता है। कहने का मतलब है कि जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध से गवर्नर का पद आता है और जो कि 1774 तक रहता है। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव बनता है और यह 2 बार बनता है। पहली बार बनता है 1757 से 60 तक और दूसरी बार बनता है 1765 से 67 तक,
ठीक दो बार जो है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है वो वॉरेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर होता है, क्योंकि 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो गवर्नर का पद है, इस गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल के पद में तब्दील कर दिया जाता है। इसलिए जो अंतिम गवर्नर बनता है वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक, जो अभी मैंने आपको बताया है 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेज क्षेत्रों का गवर्नर जनरल 1774 से कहा जाने लगा। ठीक, और इसका कार्यकाल कितना था, 5 साल इसका कार्यकाल था। और यह जो पद था ये 1774 से लेकर, यहाँ पे गलत हो गया है, 1858 तक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। ठीक है, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये मैंने पीछे भी बताया था कि 73 के एक्ट से क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल का पद आता है, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, अब एक अगला पद आता है आपका वायसराय। 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था उसे वायसराय के पद में तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बनता है, जो कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और लॉर्ड कैनिंग ही 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय बनता है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में तब्दील कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जो जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग है, और जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अपॉइंट जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो आपका, सॉरी, प्रथम वायसराय है वो आपका लॉर्ड कैनिंग है। ठीक, और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम वायसराय है वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ठीक, प्रथम वायसराय है, लेकिन ये किसकी सलाह से नियुक्त किया जा रहा है, ये भारतीय मंत्रियों की सलाह से अपॉइंट करता है, लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है, वो ब्रिटेन की सम्राट ही अपॉइंट करता है। अब है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम और वह प्रथम भारतीय वायसराय कौन है, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, जो 1948 से लेकर 1950 तक भारत का वायसराय रहता है। तो इस स्वतंत्र भारत का अंतिम और प्रथम भारतीय वायसराय है जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में मुख्य रूप से यह अंतर निकल के आता है। जैसे जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो प्रथम गवर्नर हैं, और प्रथम गवर्नर हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग है वो अंतिम गवर्नर है और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, जब मैंने आपको बता दिया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और 1774 में, ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंग को है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हैं इन्हें 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल है उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को क्या है, बंगाल के गवर्नर को किसका, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला है कि जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग से पहले मैं जरा से यहाँ बताना चाहूँगी कि 1857 की क्रांति होती है। जब 1857 की क्रांति होती है तो 1858 में आपका नया अधिनियम बनता है। उस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है, 1858 के अधिनियम के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चुना जाता है, वह प्रथम वायसराय जो बनता है वो लॉर्ड कैनिंग बनता है। क्योंकि जो 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपके गवर्नर जनरल के पद को आपके वायसराय के पद में बदल दिया
जाता है, ठीक है, वायसराय के पद में बदल दिया जाता है। इसलिए क्या है, आपका अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन बनता है, आपका लॉर्ड कैनिंग बनता है। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय बनता है, यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो देश आज़ादी के बाद जो प्रथम स्वतंत्र वायसराय बनता है वो कौन बनता है, माउंटबेटन बनता है। अब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय व अंतिम वायसराय हैं, यानी कि भारत के प्रथम वायसराय भी यही हैं और अंतिम वायसराय भी यही बनते हैं, श्री राजगोपालाचारी। क्योंकि जब 1950 में संविधान लागू हो जाता है तो संविधान लागू होने के बाद ये जो वायसराय का पद है इसे राष्ट्रपति के पद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये आपके गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में मुख्य रूप से यह अंतर निकल कर आता है। ये तो मैंने आपको तीनों के अंतर बता दिया है, एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे वायसराय की लिस्ट आपको दे दी जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये बार बार तीनों शब्द आएंगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले समझा दिया है, ठीक है।